राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्य पाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपसे भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। एक बहुत ही सुंदर कीर्तन है रूप गोस्वामी जी के विषय में, जिसको गुरुदेव रूप गोस्वामी जी की तिथि पे प्रायः गवाते थे। यंग कली रूप शरीर न धारत, तम ब्रज प्रेम निधि कपाट कौन कपाट उखाड़त। को जानत मथुरा वृंदावन को जानत सोरीत, को जानत राधा माधवरती को जानत सुप्रीत। कि अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते तो कौन जानता कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या होता है, कौन जानता कि ब्रज क्या होता है, वृंदावन क्या होता है, नंदगांव बरसाना ये नाम हम लोग जानते ही ना। तो ये सब हम लोग किसकी कृपा से जानते हैं, रूप गोस्वामी जी के। इसलिए रूप गोस्वामी जी को बोला जाता है रस आचार्य। क्या बोलते हैं? रस आचार्य। भक्ति तो पहले भी थी लेकिन भक्ति का रस नहीं था। जो भक्ति रस आके जिसने प्रवाहित किया वो है श्री रूप गोस्वामी। और यही रूप गोस्वामी जब भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं इस जगत से संवरण होती है, कलयुग आया, कलयुग के 5000 साल बीत गए, वृंदावन धाम कोई नहीं जानता था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामियों को, जो पीछे आप चित्रपट देख रहे हैं, ए 6 गोसाई जब भी ब्रज के लवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, इन 6 गोस्वामियों को भेजा और इन्होंने ही पूरा वृंदावन प्रकाश किया। तो हमारे रूप गोस्वामी जी ने राधा गोविंद देव जी को प्रकाशित किया है। किसको किया है? राधा गोविंद देव जी। अब ये राधा गोविंद देव जी को उन्होंने प्रकाशित तो किया लेकिन साथ ही साथ में उनका हमारे साथ संबंध क्या है उसको उन्होंने प्रकाशित किया अपने ग्रंथों के माध्यम से। तो जो रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ हैं, आज हम बोलते हैं ये गोविंद देव जी हैं, ये गोवर्धन जी हैं, ये शालिग्राम शिला है। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में लिखा है। तो रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से हमारा राधा गोविंद देव जी के साथ क्या संबंध है उसको प्रकाशित किया। इस जगत में आप लोग बताइए, पहले प्रेम होता है या पहले संबंध होता है? संबंध होता है। और अगर प्रेम में संबंध ना हो, जैसे लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करना शुरू करते हैं, उनका प्रेम गाढ़ा होता है कि भाई मैं तो तेरे से ही शादी करूंगा या तेरे से ही शादी करूंगी, संबंध बनाना चाहते हैं, तो प्रेम जो है वो संबंध के पीछे चलता है। हमारा भगवान से क्या संबंध है हम इसको नहीं जानते। तो जब हम इन गोस्वामियों के अनुगत्य में भजन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ मेरा ठाकुर जी से संबंध क्या है, मैं किस संबंध से उनके दर्शन करता हूँ, किस संबंध से उनको पुकारता हूँ। और जो वृंदावन की भक्ति है, जो ब्रज की भक्ति है, वो तो ऐसी है कि जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसको नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि बताया कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ जाओ। सारे धर्मों को छोड़ दो मतलब क्या? अधार्मिक हो जाओ। भगवान कहते हैं हाँ अधार्मिक हो जाओ। क्या हो जाओ? अधार्मिक। गोपियों ने क्या किया? अपने धर्म को छोड़ दिया। एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? पति की सेवा करना। उन्होंने कृष्ण के लिए छोड़ा या नहीं छोड़ा? तो ब्रज की में हर चीज उल्टी है। ब्रज में किसी को भी क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी जिनके 4 सर हैं, वो भी जब उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को देखा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, सखाओं के साथ जूठा खाते हैं। एक तरफ तो कृष्ण क्या करते हैं, बड़े से बड़ा अघासुर हो बकासुर हो उसको मार देते हैं, और एक तरफ किसी सांड को देख के डर जाते हैं, कभी घर में ही अंधेरे में डर जाते हैं, और कभी कालिए के फंडों पर नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं उसको कोई जन साधारण नहीं समझ सकता। भगवान की लीलाओं को समझने के लिए हमें इन संतों का आश्रय लेना होता है। और हमें हमारे गुरुदेव की इच्छा थी कि रूप गोस्वामी जी ने इस जगत में जीवों को आके क्या दिया, रूप गोस्वामी जी ने क्या दिया, उसके लिए ही गुरुदेव पूरे विश्व में ट्रैवल करते थे। जगह जगह पे गुरुदेव ने अपने सेंटर्स खोले कि मैं सबको ये बताऊंगा कि रूप गोस्वामी जी ने हमें दिया क्या है। इसलिए जो भी लोग इस संप्रदाय से जुड़ते हैं उनके शब्द उनका नाम क्या लग जाता है? रूपानुग। क्या लग जाता है? रूपानुग। कि हम तो रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में भजन करते हैं,
हम लोग राधा कृष्ण का भजन किसके अनुगत्य में करते हैं? रूप गोस्वामी जी के। तो ये रूप गोस्वामी जी ने ऐसी क्या विशेष वस्तु लाके दी है कि हमारा उनके साथ कैसा संबंध बनाया है, कैसे हमें राधा कृष्ण की सेवा करनी है, कैसे हमें उनका भजन करना है। अगर हम लोगों ने ये सारी शिक्षाएं नहीं सीखी और केवल मंदिर गए और आ गए, जैसे जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शन करने लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं, उससे हमारा प्रेम डेवलप नहीं होगा। हमारे एक गुरुवर्ग हुए हैं भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी, उनकी कथा में एक बूढ़ी अम्मा आके बोली कि महाराज जी, आप तो कथा में बोलते हो कि ठाकुर जी के मंदिर में आने से, दर्शन करने से क्या होता है, संसार से आसक्ति कम होती है। मैं तो जब छोटी थी 5 साल की, आज 80 साल की हो चुकी हूँ, मंदिर आते आते मेरी तो आसक्ति खत्म नहीं हुई, मेरी शादी भी हो गई, पुत्र भी हो गए, नाती पोते हो गए, और मेरी तो 80 साल की उम्र में अब जाने का समय आ गया है, अभी भी आसक्ति इतनी प्रबल है। तो महाराज जी ने उनसे प्रश्न पूछा, क्या तुम इतने सालों से जो मंदिर आई, क्या तुमने कभी बैठ के संतों से हरी कथा सुनी, तुम्हारा भगवान से संबंध क्या है, इसको जानने का प्रयास किया? बोला, नहीं, ये तो किया नहीं। महाराज जी बोले, इसी कारण से तुम्हारा भगवान से वैसा प्रेम डेवलप नहीं हुआ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा भगवान से वो जो प्रेम है, जो अनुराग है, जैसे मीराबाई का था, अगर उस प्रकार का हम लोग चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रेम आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन जो 6 गोस्वामीज हैं, ये जो हमारे संत हैं, इनका अनुगत्य करना पड़ेगा। जब तक हम इनका अनुगत्य नहीं करेंगे, इनकी शिक्षाओं को नहीं सुनेंगे, हम लोग जितना मर्जी मंदिर जाते रहें, हमें कभी भी वो प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, ना देव अमृत शिला माया ते पुनंती उरु काले दर्शना देव साधना, कि हाँ हाँ मैं तीर्थ में जाऊंगा, वहां पे तो भगवान के बड़े बड़े मंदिर हैं, या मैं तीर्थ में जाऊंगा वहां पे गंगा यमुना बहती है, स्नान करके आऊंगा। तो शास्त्र बोलते हैं कि तीर्थ में जाने का अर्थ ये नहीं है कि वृंदावन गए तो हम दर्शन कराए, हम तो वृंदावन बाकी बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं, या फिर हम गए हैं तो यमुना नदी में स्नान करके आए हैं, हरिद्वार में गंगा स्नान करके आए हैं। तो शास्त्र बोलते हैं नहीं, क्या करना पड़ेगा? उन भक्तों का संग करना पड़ेगा जो भक्त जानते हैं, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को बिठाया हुआ है, उन भक्तों का संग करने से ही हमारे हृदय में भक्ति आ सकती है। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि गुरुदेव की विशेष कृपा से यहाँ पे एक प्योर भक्ति सेंटर की स्थापना हुई थी आज से 1 साल पहले, जिसका यही उद्देश्य था कि जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया है और जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया है, वो हमें उनकी सेवा करना सिखाएं कि किस प्रकार से हमें उनके अनुगत्य स्वीकार करते हुए उनकी सेवा करनी है। अगर हम लोग उस सेवा की परिपाटी को नहीं समझ पाए तो हमारा मंदिर आना जाना वो इतना यूजफुल नहीं होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, क्योंकि कोविड के कारण रेगुलर कथा होना भी संभव नहीं हो पाया, 6 महीने मंदिर भी बंद रहा। तो बहुत सारे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, और यही हमारी संपत्ति है। अगर आज रामायण को हटा दो, भागवत को हटा दो, तो हिंदू संस्कृति बची क्या? सारी संस्कृति तो हमारे संस्कार जो है कहाँ पे है? इन्हीं शास्त्रों में है। तो आप लोग इस कथा के बाद हमसे संपर्क कर लेना, जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसके बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, नेक्स्ट बैच अभी होली पे स्टार्ट होगा, आप लोग उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आप उसका फायदा उठा पाओ कि हाँ, कि क्या है हमारे ग्रंथों में, ऐसी क्या धन संपत्ति भरी हुई है कि जब विदेशी लोग भी भारत छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने देखा एक चीज बच गई, उसको यहाँ से लेके जाते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में जितने शास्त्र पढ़े थे उठा के अपने देश में लेके चले गए। जब वो भारत में आए थे, ब्रिटिशर्स कैसे आए थे? एक साधारण जो बोट होती है हाथ से चलाने वाली, उससे आए थे। यहाँ पे आके उन्होंने हमारे शास्त्रों को पढ़ा और मोटर बना ली। आज पंखा किससे चल रहा है, एसी किससे चल रहा है, ये किससे चल रहा है, सब कुछ तो मोटर से चल रहा है। गाड़ी किससे चल रही है, मोटर से चल रही है। उन्होंने भारत में आके मोटर इन्वेंट करी और फिर यहाँ से मोटर बोट में ही हमारे शास्त्रों को उठा के अपने देश लेके चले गए। तो जो हमारा धन है, जो हमारी संपत्ति है, अगर आप में किसी की इच्छा हो कि उसको जानना चाहते हैं, तो आप उसको कृपा करके आप हमसे संपर्क करना। अभी हम बहुत सौभाग्यवान है कि वृंदावन से हमारे पूज्य पाठ श्रीधर महाराज जी आए हैं, उनसे हम कुछ भगवान की मीठी मीठी कथाएं श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरां दश्य ज्ञानांजनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो हरि कृष्ण और कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे। श्री मदन मोहन लाल की सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है, श्री बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी मतलब होता है आज से ये बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है। और बसंत का जो कलर कैसे है, बसंत कलर पीला रंग है, इसलिए थोड़ी सी अगर आप शहर से बाहर जाओगे ना, ज़्यादा करके देखना सरिसो वृक्ष है, चारों तरफ में सरिस का जो वृक्ष है चारों तरफ में पूरा ये प्रकृति ये पीला रंग को धारण की हुई है संपूर्ण ये प्रकृति। इसलिए और कहते श्री राधा रानी कृष्ण कौन सा रंग का वस्त्र धारण करते हैं, पीला है। बोले पीला वस्त्र क्यों धारण करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी कहती है तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधा रानी का जो कलर है बसंत रंग का कलर है, इसलिए मानना श्याम सुंदर स्वयं, आप और हमारी बात छोड़ दो, श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी की प्रेम को द्वारा ही शरीर को ढका हुआ है कृष्ण। इसलिए मूल प्रकृति श्रीमती राधा रानी, इसलिए संपूर्ण ये प्रकृति आज पूरा के पूरा ये पीला रंग। इसलिए देखना किसी मंदिर में जाओ आज सब ठाकुर को पीला, आज वृंदावन में कभी अगर आप तो गए नहीं, सब मंदिर में पीले फूल से सजा हुआ देखोगे, जितने सारे ठाकुर पीले कपड़े पहने हुए देखोगे, जितने ब्रज की सब माताएं गोपियां और सबके सब मंदिर में देखोगे पीले पीले रंग से सब श्रृंगारा जाए। कारण है कि ये मूल प्रकृति श्रीमती राधा रानी जिसका रंग ये पीला रंग है, मान ये संपूर्ण प्रकृति यहाँ तक भी कृष्ण स्वयं राधा भाव दूति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूप स्वयं कृष्ण। दूसरी की बात छोड़ दो, कलयुग में कृष्ण स्वयं ये राधा रानी की रंग को धारण करते हुए कलयुग में श्री सचिनंदन ये गौरव बन करके आए और उन्होंने श्री राधा रानी का जो प्रेम राधा रानी का भक्ति को, इसलिए कहते यदि गौरांग नहीं तो तबे की है तो केमने धरी ताम देहे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तक। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो जगत में राधा जी का प्रेम किया है कौन, किसको पता चलता। ये श्री सचिनंदन गौर हरि की ही ये कृपा है, इसलिए ये बसंत पंचमी और भगवान की चार तरह का रास है। चार तरह का रास में एक रास है नित्य रास, दूसरा रास है महारास, तीसरा है शारदीय रास और चौथा है बसंती रास है। कदि ये चार रासों में जो सर्वश्रेष्ठ रास है ये भगवान की बसंती रास है, क्योंकि बसंती रास में ही कृष्ण ने प्रतिपादन किया था। यद्यपि सबके सब ब्रज गोपियां थी कहां पर रासों में, लेकिन जब राधा रानी मान करके चली गई, कृष्ण सबको छोड़ करके केवल राधा रानी को पीछे चले गए श्याम सुंदर, और सब देखते देखते रासों का बीच से श्याम सुंदर श्री राधा रानी को गोद में उठा करके ले गए थे।
जिस रास में उन्होंने ये प्रतिपादन की थी, राधा रानी का प्रेम ही ये सर्वतम लीला, सर्वतम उनकी सखियां हैं। इसलिए आज ये बसंत पंचमी को उपलक्ष्य करते हुए आज हमारे संप्रदाय में बड़े बड़े संतों का आज आविर्भाव उद्रिभाव है। इसलिए कहते श्री विष्णु प्रिया देवी एक महाप्रभु के दो शक्ति, एक भू शक्ति और एक श्री शक्ति है, हैं? इसमें आज रात महाप्रभु ने दो शादी की। पहले तो उन्होंने लक्ष्मी प्रिया को शादी की थी, लेकिन उसने महाप्रभु का विरह में जब शरीर त्याग की, फिर महाप्रभु श्री विष्णु प्रिया को शादी की, हैं? और उन्होंने महाप्रभु जब विष्णु प्रिया को छोड़ करके जगन्नाथपुरी में उन्होंने संन्यास लेकर के चले गए। विष्णु प्रिया क्या करती थी, कुछ चावल लेती थी, चावल लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते एक चावल उठा दी थी, पूरा महामंत्र बोल करके एक पात्र में रखते थे, पूरी हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके सबरे से लेकर के एक एक चावल रखती थी, जितना चावल होता था उसको रसोई बनाया करती थी और श्री महाप्रभु को भोग लगा करके सच्ची मैया को देती थी, और सच्ची मैया जो छोड़ देती थी उसको भोजन करके अपना जीविका निर्वाह करती, फिर शाम को फिर बैठती थी चावल लेकर के, फिर एक एक महामंत्र बोल करके एक एक चावल को उठा उठा कर रखती थी, हैं? जो हो जाता था फिर रात को भी वैसे करती थी। इसलिए उन्होंने ऐसे ही महाप्रभु की, भगवान की उन्होंने भक्ति की। कहते आज भी उनकी एक तिथि है। कहते आज हमारे संप्रदाय में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हैं? छह गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, आज इनका भी आविर्भाव तिथि है। कहते ये महापुरुष, ऐसे महापुरुष हुए जगत में, साधारण लोगों का भावना है ये भजन करने के लिए कौन आते हैं, बोले जिनको घर में कुछ लिखा पढ़ा है ही नहीं, कमाई करना जानते नहीं घर में, उन लोगों ने सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन में सब बाबा बन जाते हैं और भीख मांग करके अपना जीविका निर्वाह करते हैं, साधारण लोगों का ये धारणा है। लेकिन ये रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे थे, इनकी जीवन चरित्र आता है। कहते इनके घर में बोले इंद्र के तुल्य बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य है, दो भाई, एक भाई का ही एक संतान है, दोनों भाई का एक बेटा है, इनकी वार्षिक आय कितना उसी समय में, दस लाख स्वर्ण मुद्रा, कितना, 10 लाख स्वर्ण मुद्रा, अब सोच भी नहीं सकते हैं इतने उनकी कमाई थी। इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य है, बोले पत्नी कैसे थी, बोले अप्सरी जैसे घर में पत्नी थी, इतनी सुंदरी, क्योंकि उन्होंने बचपन से जब हरिदास ठाकुर की संस्पर्श में आई, जब भगवान की उन्होंने कथा सुनी, कथा सुन करके उनको ये पता चला, कितना बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, जब उन्हें सत्संग की उनको ये पता चला ये जो जीवन है ये दुर्लभ जीवन है, भगवान ये मानव शरीर को बारंबार नहीं देते हैं, ये 84 लाख जन्मों को बाद में एक बार ये जीवन मिला है, और इसी जीवन में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन विषय खलु सर्वत्र स्यात्, ये विषय भोग तो हर जीवन में हम करते करते आए, जिस जीवन में गए उसी समय उसी जीवन में शादी किया, बच्चे हुए, बड़े किए, फिर उसके बाद में शरीर छोड़ दिया, मर गए। लेकिन ये जो मानव शरीर भगवान दिया, किस लिए दिया है, जीवन भगवान के भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए दिया। जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुई ना, अब उसने सब कुछ छोड़ छाड़ करके महाप्रभु के पास में बारंबार चले जाते हैं, और उनको पिता पकड़ पकड़ करके उनको ले आते हैं, पकड़ पकड़ कर ले आते हैं। इतने में उनकी पत्नी, उनकी जो माता जी थी, उनको पिताजी को बोले क्या कर रहे हो, ये भाग जाता है घर से और उसको पकड़ पकड़ करके ले आते हो, शादी करा दो इसको, इसको शादी करा दो। अब उन्होंने, वो तो बहुत बड़े परिवार के थे, बड़े जमींदार घर के, उन्होंने कद अप्सरी जैसे बताते, अप्सरी जैसे किसी लड़की से उन्होंने शादी करा दी। जब शादी करा दी तब भी घर से भाग जाते हैं,
इतने में उनको माता जी ने बोली, इसको हाथ में लोहे की जंजरी, हाँ जंजीर, लोहे की जंजरी ला करके हाथ प्यार को बांध कर घर में पटका दो, ये बारंबार भाग देता है। तब वो एक बात कहते हैं, बोले चैतन्य रजे बातुल उतारे के राखी ते बारे। अगर कोई राधा कृष्ण का प्रेम में, महाप्रभु का प्रेम में एक बार जो पागल हो ना, कितना जगत में बहुत बहुत बड़े बड़े पागल है, कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कहती जितने सारे पागल सब है, सबके सब बेकार पागल है, लेकिन असली पागल कौन है, जो पागल है श्री बांके बिहारी के। अगर उसका प्रेम में एक बार कोई पागल हो गया तो भैया उसको घर में कोई नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमारे बिल्वा मंगल जी कहते हैं, साध्वी माधिक चिंता न भवती सरकरे कर्कशासी। अगर राधा कृष्ण का प्रेम जिसको एक बूंद जिनको मिल जाए, कि जगत का जितने सुख है, जितने आनंद है, उसको सामने सबके सब फीकी पड़ी जाती है, हैं? बोले द्राक्षा द्राक्षंती, अंगूर का रस को द्राक्षा रस कहते हैं। बोले अंगूर का रस तेरे तरफ में और को दुनिया देखेगा नहीं। बोले अमृतम मृत वसी, अमृत तो मर जा, मर जा तो तेरे को कोई खाएगा नहीं, कोई पिएगा नहीं, हैं? इसलिए अमृतम मृतम वसी, इसलिए कर जगत का जितने जितने सबके रस है, भगवान की गोविंद देव की मदन मोहन का प्रेम रस को सामने सबके सब ये फीके पड़ी जाती है, हैं? इसलिए उन्होंने फेर के इसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर रघुनाथ दास गोस्वामी किसी जगन्नाथपुरी में आए। जब महाप्रभु का चरण में आते हैं, महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, बोले भगवान की तुम्हारी पर बड़ी कृपा है, तुमने ये विषय रूपी बीज को छोड़ करके तुम भगवान के भजन करने के लिए आए हो। उन्होंने इतने भजन किया जो सोच नहीं सकते, इतने बड़े घर के संतान होकर के कैसे क्या खाते थे, कहते वहां पर आनंद बाजार है, उसको सामने खड़े रहते थे, जो प्रसाद बिकता नहीं था वो गरीब लोगों को देकर जाते थे, उन्होंने ऐसे ही खा करके दिन रात भगवान के भजन करते थे। लेकिन ये महाप्रभु लिए वैश्यावृत्ति, ऐसे नहीं जीविका निर्भर करनी चाहिए, कोई आएगा तो तब मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, ये कोई भगवान के ऊपर थोड़ी विश्वास है। फिर जो चावल दो तीन दिन के बाद में नहीं बिकता था उसको फेंक देते थे, लेकिन उसको धो धा करके थोड़ा नमक देकर खा लेते थे। ऐसे उन्होंने भजन किया, महाप्रभु स्वयं आकर के उससे महाप्रभु भोजन किए। बोले वाह, रोज रोज बढ़िया बढ़िया भोजन करते हो, हम बुलाते नहीं तो अकेले खा रहे हैं। फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी छोड़ करके महाप्रभु का आदेश से आए, कहां पर आए, उन्होंने आए श्री जगन्नाथपुरी आए वृंदावन में। जब राधा कुंड श्याम कुंड को बीच में बैठ करके बाबा भजन करते थे, राधा रानी स्वयं आकर के उनके सर के ऊपर में अपना कपड़े से छाया करके स्वयं राधा रानी खड़ी रहती, मतलब इतने उन्होंने भजन की, बाबा ने इतने उन्होंने भजन की। एक दिन उन्होंने महाप्रभु को पूछे, प्रभु जी आपकी मुखारविंद से कुछ उपदेश को मैं सुनना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने सटकट में दो चार लाइन में उन्होंने बहुत बहुत कुछ बात बता दिया। बोले देखो बेटा, कहते मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया, अंतर निष्ठा कर बाह्य लोग व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुमाय करीबे न उधार। उन्होंने बताया देखो, भालना खाईवार भालना पड़ीवा, ब्रजे राधा कृष्ण से वह मानस करीबा। उन्होंने बोले देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा मत पहना कर, क्योंकि जो बढ़िया भोजन करता है अपना हानि होता है, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता है ना, वो तो अपना हानि करता है और दूसरा का भी हानि करता है। बोले कैसे, जैसे बढ़िया साड़ी पहने, बढ़िया कपड़ा पहने, शीशा को सामने खड़े होकर के दिन में कितना बार देखते रहेंगे हम कैसे लग रहे हैं, और जो बढ़िया साड़ी कपड़ा पहन के रास्ता में चलेंगे, क्या भावना, कोई देख रहा है कि नहीं मेरे को, आज हमने इतने बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के चल रहे हैं, कोई देख रहा है कि, अपना तो हानि है ही है लेकिन उसमें दूसरा का भी हानि है। इसलिए कहले देखो, बढ़िया बढ़िया ज्यादा पहना मत करो, है, और क्या करो, बढ़िया बढ़िया मत भोजन करो, क्योंकि बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे तो फिर इंद्रियों की तेज बनेगा, होगा तो फिर संसार वासना आएगा,
है, फिर क्या करो, बोले ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करिवा, मानसी के रूप में वृंदावन में श्री राधा गोविंद जी की, राधा मदन मोहन की, राधा गोपीनाथ के मानसिक रूप में उनकी तुम सेवा करना है। और अंतर निष्ठा करो, अंदर में तो निष्ठा रखो लेकिन लोक बाह्य व्यवहार, लेकिन जो लौकिक जो व्यवहार उसको सही सही करो, ऐसे नहीं पिता कुछ नहीं माता कुछ नहीं हम कुछ कुछ नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारी जो स्वाभाविक जो व्यवहार है, जो संबंध को ठीक करके रखो, और जो भक्ति है वो अंदर का चीज है, दूसरों को दिखाने का चीज नहीं, लेकिन अंदर में निष्ठा करते हुए बाहर का जथा जी को विजय करो, और क्या करो भगवान की भजन करो। उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने उपदेश दिया है, इसलिए आज इनका भी, इनका तो बहुत कथा, इसलिए आज भी इनका जन्म तिथि है। बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। आज हमारे संप्रदाय में एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए, ये बहुत बड़े संतिक रस हुए, बहुत बड़े ये रसिक भक्त हुए हमारे संप्रदाय में। अभी जो गोविंद देव को दर्शन किया है ना, इनको किसने प्रकाशित की थी, रूप गोस्वामी ने, इसलिए श्री रूप गोस्वामी को कहते रस आचार्य, ये रस का ये आचार्य है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया, जैसे उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल निर्मणि, ये सब ग्रंथों को, लघु भागवत अमृत, ये सब बड़े बड़े ग्रंथ को, रस ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया। लेकिन उन्होंने देखा किसको पास समय होगा नहीं होगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, फिर उन्होंने दो बार कदी ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बनकर के आए, और उन्होंने दो बार उन्होंने किया कि इसी ग्रंथों को उन्होंने छोटे छोटे रूप में लघु भागवत अमृत कणा, उज्ज्वल निर्मणि किरण कणा, कदी श्री लघु भागवत अमृतम, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, सब इन्हें छोटे छोटे ग्रंथ रूप में बनाया, और बड़ी सुंदर रूप में हम थोड़ी सी समय को अंदर में कैसे समस्त भक्ति रस को कैसे जान सकते हैं, उनने जगत में उन्होंने ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया, और उन्होंने जो श्रीमद भागवत ग्रंथ को ऊपर उन्होंने टीका लिखे। जब तक उनकी ग्रंथ को कोई अध्ययन नहीं करे ना, तब तक ये भक्ति रस को कोई नहीं जान सकते, इसलिए भागवत के ऊपर जो टीका, अद्भुत इनका टीका है, अद्भुत इनके टीका, बगैर कोई रस की अंदर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ये ऐसे महान संत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका नाम, इसलिए उनका नाम ही विश्वनाथ चक्रवर्ती, हाँ विश्व का वो नाथ है, संपूर्ण चक्रवर्ती राजा जैसे कहते हैं ना, और रस के ऊपर में ये राजा जैसे थे, इसलिए आज इनका भी तिथि भी आज इनकी है। और आज का दिन पुंडरीक विद्यानिधि, नाम सुने हो कहती, ये कौन थे, ये थे श्री वृषभानु महाराज, वृषभानु महाराज का बेटी कौन है, श्रीमती राधा रानी। इन्होंने महाप्रभु जब आए, कहते महाप्रभु अकेले नहीं आए, भगवान जब आते हैं, इसलिए भजन में कहते ना भक्त मनोहर ठाकुर, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सफार सदसियो धाम सह अवतारी। भगवान कभी जगत में अकेले नहीं आते, वो अपना परिकर धाम को लेकर के ही इस जगत में आते हैं, इसलिए महाप्रभु भी संपूर्ण अपना श्वेत दीप नवद्वीप धाम को लेकर के जगत में आए हैं। हैं नवद्वीप परिक्रमा में कौन कौन गए हो, एक दो तीन चार, हाँ देखो इस बार जो जो नहीं गए कोशिश करना इस बार आने के लिए। ये शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब, कितने, 1 अरब कितना होता है, 100 करोड़, और 6 अरब कितना हो गया, 600 अरब, 600 करोड़ तीर्थ पृथ्वी में। शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले ये जितने सारे तीर्थ हो कोई करोड़ों करोड़ बार कर ले, उसको जो पुण्य मिलेगी भक्ति मिलेगी, अगर श्री नवद्वीप धाम को एक बार कोई अगर परिक्रमा कर ले वैष्णव का अनुगत से, उससे करोड़ गुण ज्यादा उसको भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगी, पुण्य मिलेगी, इतने नवद्वीप धाम की परिक्रमा की महत्व है।
हैं, जिन जिन्होंने कृष्ण लीला में अपराध किया कृष्ण के चरण में, वो सबके सब श्री नवद्वीप धाम में जन्म हुए, तब इनके पाप नष्ट हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं उनके सारे अपराध पाप सबके सब वहां धुल जाती है। और उधर गंगा सागर भी है, कहते ना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर बस। इसलिए अब लोग जो हो सके इस बार टिकट बनाओ और सबके सब सुंदर गोपाल प्रभु के साथ में मिलना, आपको गंगा सागर ले जाएंगे। सुंदर गोपाल प्रभु कहाँ है उबर में, इसलिए कहाँ है, इसलिए इसलिए कहते ये कहते श्री नवद्वीप धामी सबके सब जन्म हुए हैं। इसलिए श्री पुंडर की जो विद्या निधि है ये स्वयं श्री वृषभानु महाराज है, ये वृषभानु महाराज। लेकिन ऊपर में देखने लगता था जैसे महाविषय है, ऐसे कपड़ा पहनते थे, एकदम सिल्क कपड़ा पहनते थे, और क्या उनको सुंदर केस की सवार, क्या सुंदर पान में लिपस्टिक जैसे लगाते थे, और सारा शरीर में ऐसे श्रृंगार, सामने शीशा रहता था, और उनका जो गद्दी है मखबल वाला गद्दी, और बारंबार शीशा रख करके उनको बारंबार अपना चेहरा को देखते थे। 8-10 सेवक लगे हुए थे, कोई पंखा चलाया करते थे, कोई चामरे भेजने करते, ऐसे महाभोगी लगते थे हैं। लेकिन श्री जो गदाधर पंडित कहते ये अगर कहीं नवद्वीप धाम में कोई संत आ गए, वैष्णव आ गए, पता चले ना, ये जरूर जाकर के संतों को दर्शन करते थे हैं, रोज दर्शन करते थे। इतने में एक मुकुंद था, बोले देखो एक बहुत बड़े संत आए, दर्शन करने जाओ, नहीं जरूर जाएगी, अगर पता चल जाए कहीं संत आए ना, सबसे पहले वो जाते थे दर्शन करने के लिए। बोले क्यों, जब हम संतों को दर्शन करते हैं, कहते गंगार परस हैले पश्चात बाबर, जब गंगा में स्नान करे उसको बाद में जाकर के पवित्र होते हैं, लेकिन अगर संतों को अगर दर्शन कर लिया तो उनको दर्शन मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है। जैसे सूरज उदय होने पर अपने आप प्रकाश हो जाता है, संतों का दर्शन करते ही हृदय के अज्ञान अपने आप दूर हो जाता था। इसलिए संतों दर्शन की बड़ी महिमा है, कहते भगवत दर्शन से भी संतों का जो दर्शन है महत्व ज्यादा है। अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, बोले 5 साल से जा रहे थे मंदिर दर्शन करने के लिए, 5 साल से जा रही थी, लेकिन भगवान से कोई संबंध नहीं हुआ, प्याज लहसुन छोड़े नहीं, हरिनाम नहीं करते हैं, गला में कंठी नहीं, तिलक नहीं। गोविंद तो वो कभी कुछ बोले आपको, कभी तुमने कंठी क्यों नहीं पहनी, तिलक क्यों नहीं खिली, हरिनाम नहीं करते क्यों, प्याज लहसुन क्यों खा रहे, गोविंद तो कभी बोलते हैं नहीं बोलते, लेकिन वो कौन बोलेंगे, संत बोलेंगे। इसलिए कहते भगवान खुद कहते हैं जब किसी जीव को ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ, भगवान कहते तभी उनको संतों के वैष्णव दर्शन होता है, और बगैर वैष्णव के दर्शन के बगैर भगवान भी जीव का कल्याण नहीं करते, भगवान भी कल्याण नहीं, अगर कल्याण करवाएंगे तो वो किसी साधु के पास में आपको भेजेंगे, अगर वो कल्याण करवाना चाहते हैं। अगर उनको दर्शन करके कोई साधु दर्शन नहीं हुआ ना, समझना गोविंद देव हमको ठग दिए, गोविंद देव हमको ठग दिए, क्योंकि वो खुद कोई बात नहीं बोलते, वो बोलेंगे साधु को थ्रू से। इसलिए शास्त्र बताया सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना, जो व्यक्ति डायरेक्ट गोविंद देव को मदन मोहन को सेवा करते हैं, स्वयं कृष्ण कहते हैं वो मेरे को पाएगा नहीं पाएगा मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, भगवान खुद कहते हैं वो मेरे को पाएगा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं, लेकिन निसंशय च अत्र मत भक्त परिचर्या रतात्मना, मेरे भक्तों की सेवा में जो लगता है मैं गारंटी दे सकता हूं वो जरूर मुझको प्राप्त करेगा ही, शास्त्र गारंटी देता है, गारंटी देता है शास्त्र है। इसे जब हनुमान जी से विभीषण मिले तब विभीषण को जब पता चला राम के सबसे प्यारे भगत है, हनुमान जी क्या कहते हैं विभीषण, आज मैं भा भरोसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, इसलिए जो रघुवीर मोहे अनुग्रह किनी तो मोहि दर्श हटिनी, लगता है मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई कृपा हो गई जिसको द्वारा आज श्री हनुमान जी का दर्शन हमें मिला है, लगता है जरूर मेरे को राम जल्दी जल्दी भगवान मिलने वाले हैं। इसलिए अगर इनको कहीं पता चले कहीं साधु आया है वैष्णव आया है, बड़े उत्कंठा रहते थे संतों को दर्शन करने के लिए हैं, क्योंकि भगवान का जो निवास कहाँ ठाकुर रहते हैं, संतों के हृदय में रहते हैं भगवान, संतों की
हृदय में रहते हैं। मुकुंद जी बोले एक बहुत बड़े वैष्णव है, दर्शन के लिए जाओ। बोले क्यों नहीं चलो दर्शन करने के लिए। अभी दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जब दर्शन के लिए गए ना, साधारण लोगों का धारणा क्या है, साधु कैसे होते, जटाजुट धारण किए होंगे, शरीर में राख मले हुए होंगे, पेड़ के नीचे धुन जलाते हुए और गंजा फूंकते हुए मिलेंगे। साधारण लोगों का ही धारणा है साधारण लोग का। लेकिन जब वहां पर गए ना, क्या मखबल बल गदी, क्या रेशमी कपड़ा पहने हुए, बाल का क्या सिंगार है, वो सेंट लगाए शरीर पर खुशबू और पान चिबा रहे, होठ लाल लाल, 8-10 सेवक कोई चामर भजन कर रहा है, कोई उनको पंखा झुला रहा है, और वहां पर शिष्या को बारंबार देखते रहते हैं, और वहां पर पीक दानी सोने की पीक दानी पान खाकर उसमें थूक रहे हैं। उनको देखने से पता चल गई तो महाविषय ये है। अभी उनको दर्शन करके बोले ये कैसे साधु है, ये कोई साधु थोड़ी है, तो महाविषय लग रहा है, हाँ ये तो महाभोगी। उनका मन तक खट्टा हो गया, हाँ उनका मन खराब हो गया। जो मुकुंद साथ में ले गया था वो समझ गया, इनको देख करके ये समझ नहीं पाया है, हैं इनको समझ नहीं पाया इनके हृदय में कितने अथाह प्रेम है। हाँ देखो एक चीज समझो कि दो तरह से संत होता है, एक होता है साधक और एक होता है सिद्ध। ये चीज को समझो, जो पहला अवस्था में जब हम साधन करते हैं वैराग्य की जरूरत है, अगर वैराग्य भगवत प्राप्त नहीं होगा है। अब बताए ना महाप्रभु बोले बढ़िया बढ़िया खाना नहीं, बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं, एकदम सिंपल जीवन बिताना, भगवान के भजन करना संतों का जो जीवन है। लेकिन जो सिद्ध महात्मा है, जो ऑलरेडी जो भगवत प्राप्ति जिनको हो गई है, इसलिए उनको किया, वो जो कुछ पहनते थे राधा कृष्ण के लिए ब्रज में, जो गोपियां श्रृंगार करती है, सुंदर कपड़े पहनते हैं, सुंदर श्रृंगार क्यों करती है, कृष्ण हमको देखकर खुश हुए, ठाकुर जी देखकर खुश हुए, कृष्ण के जो सखा लोग हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते सर धज कर रहते, क्यों, भगवान को साथ में हम खेलेंगे कूदेंगे, ठाकुर जी को साथ में। इसे जो सिद्धावस्था में पहुंच जाओ ना, उसी समय में ये सब चीज की जरूरत नहीं, लेकिन जो पहले साधन अवस्था कर उसमें जरूरत है सब चीज को, हैं जरूरत है। वो तो राधा रानी की पिताजी वृषभानु महाराज है, हाँ वो वृषभानु महाराज है, उनको क्या जरूरत उनको साधन करने का, राधा रानी के पिता है। तब उन्होंने एक श्लोक उन्होंने पढ़े, कृष्ण कितने दयालु हुए, क्योंकि कृष्ण की दयालुता जब भक्त लोग सुनते हैं ना फिर रोने लग जाते हैं। फिर उन्होंने एक श्लोक बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया पी असाध्य लेभे धातु चितम गतम कतुन्यम कम बा दयालु शरणम ब्रजेम। इसमें बताए कृष्ण कितने दयालु है, कहते जब पुतना कृष्ण को पास में गई थी, कहते पुतना के अंदर में क्या थी, बोले उसका नाम थी पुतना। पुतना मतलब क्या, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र थी, पहला नंबर दोष। भगवान को पास में लेकर के किया गई थी, बोले कालकुट 20 स्तन कृष्ण को मारने के लिए। तीसरा नंबर में वो थी कौन, बोले राक्षसी। वो करती थी क्या करती थी, बोले बच्चों का खून पीती थी, जिसको अंदर में सारे अपगुण, कोई भी एक गुण नहीं था। लेकिन कह रहे हैं भैया कृष्ण हमारे मदन मोहन कितने दयालु है, हमारे गोविंद देव कितने दयालु है। बोले गुण अपगुण प्रभु देखो ना, ठाकुर जी का भी हमारे अपगुण का प्रति नजर नहीं देते हैं। लेकिन उन्होंने एक सेकंड के लिए जो एक नाटक की थी, बोले भैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए, नाटक की। और कृष्ण को एक सेकंड के लिए पुत्र भाव से उन्होंने देखा, एक सेकंड के लिए पुत्र भाव से देखा, कृष्ण इतने से ही रीझ गए, रीझ करके उनको स्थान क्या दे दिया, बोले गोलोक वृंदावन में धाई चित पद, गोलोक वृंदावन में मैया जसोदा की अनुगत्य में जो सेवा करने वाली उनकी गति उनको गोलोक वृंदावन में दे दिया ठाकुर जी, इतने दयालु कृष्ण। जब उन्हें इतनी सी बात सुने, इतने में वो जो बढ़िया बढ़िया रेशमी कपड़ा पहने थे ना,
कृष्ण बोल करके ऐसे रोना प्रारंभ की, सारे तकिया को फेंक दिए, सारे कपड़ा को फाड़ दिए और हाथ प्यार को छटपट करते हुए कृष्ण प्रेम में ऐसे छटपट कर रहे थे, कृष्ण प्रेम में इतने रो रहे थे जैसे गंगा जमुना की आंखों से जरी बहने लग गई। क्या शरीर में दिव्य प्रेम की प्रादुर्भाव हुआ। इसको देख करके गदाधर पंडित जो थे ना, हे भगवान इतने बड़े संत एक श्लोक सुन करके कृष्ण कितने दयालु, इतने रो रहे और छटपट छटपट कर रहे, सारे कपड़ा को फाड़ फूट दिए। पता चला भैया तो बहुत बड़े संत है, मैंने तो इनको बड़ा अपराध किया, इनके चरण में सोचा तो महाभोगी अब अपराध हो गया, बोले अभी क्या करनी चाहिए। बोले देखो इनसे आप मंत्र ग्रहण करो, इनसे तुम भगवान की मंत्र ग्रहण करो। जब किसी व्यक्ति से हम मंत्र ग्रहण करते हैं ना, वो हो जाते हैं हमारे पिता और हम हो जाते हैं उनका बच्चे हो जाते हैं। जब उससे तुम मंत्र ग्रहण करोगे वो तुम्हारे पिता बने जाएंगे, सचमुच उनका तो पिता है ही है। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। उनको पिताजी कौन है? वृषभ महाराज, तो उनके पिता ही है। इसलिए बोले उनके हरि उनसे मंत्र ग्रहण करो, मंत्र ग्रहण करना क्या होता है, तुम हो जाओगे उनका बच्चे, हो जाओगे पिता। अगर बच्चे कभी इधर उधर थोड़ी गलती कर देना, फिर पिताजी वो गलती को नहीं लेते हैं, वो गलती को पिताजी नहीं लेते हैं। जैसे बच्चा टाटी करते मैया फेंक देती बच्चे को ना, साफ करती है, साफ करती है। इसलिए पिता माता उसकी गलती को नहीं लेते, इसलिए उनसे तो मंत्र दीक्षा लेकर के भजन करो है। इसलिए आज भी ऐसे संतों का आज भी इनकी जन्म तिथि है, है आज भी उनकी जन्म तिथि। इसलिए आज बहुत बहुत सारे संतों का आज तो इतने संतों की तिथि जो सोच भी नहीं सकते हो, इतने संतों की भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज इनका भी तिथि है। इसलिए बड़े बड़े संतों का आज तिथि है। इसलिए हमारी आज का दिन हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी, इसलिए आज का दिन को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने आज यहाँ पर श्री राधा मदन मोहन जी को प्रकट किया। बोले श्री राधा मदन मोहन लाल की, अरे जोर से बोलो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद तैयार किया, बहुत जोर। बोले श्री राधा मदन मोहन की। इसलिए यहाँ से मदन मोहन चले गए, गोविंद गोपीनाथ यहाँ पर है, गोविंद गोपीनाथ यहाँ पर, और मदन मोहन यहाँ से राजा की जो बेटी की शादी हुई उन्होंने दहेज रूप में ठाकुर जी को उन्होंने लेकर गए, हम दहेज रूप में ले गए। इसलिए राजा ने पूछा बताओ बेटी तुम दहेज रूप में क्या लोगे। बोले पिताजी जो भले ही दो और मत दो, लेकिन ये मदन मोहन को दहेज रूप में दे दो, क्योंकि इनको मैं बचपन से ही ठाकुर जी को मैं सेवा करते आ रही हूँ। इसलिए इनको साथ में मेरी प्रीति जोड़ गई। देखो जिसको सेवा करोगे ना तभी तो प्रीति जोड़ेगी, संबंध कब बनेगी जब सेवा करोगे तभी तो संबंध बनेगी। इसलिए ठाकुर जी को कैसे सेवा करनी चाहिए, आत्मबद्ध। कैसे कैसे आत्मबद्ध मतलब क्या है, जैसे अभी आत्मबद्ध होता है अपना जैसे, जैसे अभी थर्टी का समय है, अब कैसे कपड़े पहने हो, गर्मी कपड़े पहने हो। इसलिए ठाकुर जी को भी सुंदर सुंदर गर्मी की कपड़ा पहनानी चाहिए, जो स्नान करते हो ठंडा पानी ना थोड़ा गर्म पानी में, गर्म पानी में। इसलिए ठाकुर जी को भी थोड़ी सी है गर्मी पानी से ठाकुर जी को स्नान करानी चाहिए। जैसे यहाँ पोस बड़ा खाते हैं, यहाँ पोस बड़ा बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए ठाकुर जी को भी बड़े सुंदर सुंदर बड़ा भी बना करके ठाकुर को खिलानी चाहिए है। इसलिए गर्मी का समय में जैसे हम पतली पतली कपड़ा पहनते ठाकुर को भी ऐसे ही पतला पतला कपड़ा पहनानी चाहिए। इसलिए कहते इसको कहते आत्मबद्ध है, इसको कहते आत्मबद्ध। इसलिए ठाकुर जी को ऐसे नहीं रोज तो दो बार कपड़ा खुद बदलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को 10-15 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे रखे है, एक 10-10 दिन 15 दिन हो गया 20 दिन हो गया ठाकुर ड्रेस नहीं बदला रहे हो, ऐसे नहीं करने चाहिए। अपना जैसे करते हो है उसी तरह ठाकुर के लिए भी कुछ सेट कपड़ा रखनी चाहिए, जैसे उनको बदला बदला करके ठाकुर जी को जैसे पहना सकी हो, ठीक है ना। इसलिए शास्त्र में बताए जब द्रौपदी कहते अगर ठाकुर जी को कोई एक नया वस्त्र प्रदान करता है ठाकुर को पहनाते हैं, हमारे हरिभक्ति विलास में बताए वो कपड़ा में जितने धागा होता है, वो कपड़ा में जितने धागा होता है उतना कल्प तक उसको भगवत धाम में वास होता है। वो कपड़े में जितने धागा होती है इतने महिमा, जब भगवान कृष्ण की हाथ अंगुल कट गई भगवान परीक्षा कर रहे थे, इतने में द्रौपदी ने क्या की
ठाकुर जी को देखते देखते अपना साड़ी को फाड़ दी और कृष्ण की अंगुल में उन्होंने बैंडेज कर दी। ठाकुर जी रीझ गए। और जो द्रौपदी राज रानी थी साधारण नहीं, एक एक साड़ी का कीमत करोड़ों करोड़ रुपए, जिसमें सोने की जरी की एम्ब्रॉयडरी काम था, और देखते देखते उसने फाड़ करके भगवान की अंगुल में बैंडेज कर दी। ठाकुर जी रीझ गए, बोले कब समय आई इसका रीणी में कब होता था, इसकी रीणी कब होता था। लेकिन भरी सभा में जब लाज जा रही थी, द्रौपदी का कितना पति थे, कितने पति थे, पांच पति थे ना, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, तलवार युद्ध में नकुल सहदेव, भाला युद्ध में युधिष्ठिर। लेकिन पांच पति कोई काम में आए उसकी, बोलो कौन काम में आया, कोई काम में आया हो, कोई काम में नहीं आया। और वहां पर पितामह भीष्म भी बैठे हुए थे, वहां पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबके सब थे, कोई काम में आए, जिसका पांच पांच पति काम में नहीं आया, मेरे पति एक पति क्या काम में आए। इसलिए कन्हैया जगत में तुम्हारी कोई भी काम में आने वाले नहीं है। लेकिन एक काम में आए तो कौन आए, काम में आए बस ठाकुर जी आए। जब उन्होंने दोनों हाथ को उठा करके हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरि, जब हाथ उठा करके उठाए, इतने में ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए और दुनिया देखते रह गई, साड़ी बीच कोई नारी, नारी की स्वयं साड़ी बन गई है। इसलिए अगर भगवान को कपड़ा पहनाने का बड़े महत्व है, बड़े महत्व है, इसलिए घर में जो ठाकुर जी है ना, बढ़िया से पहनाया करो। देखो ये राजा की जो बेटी, केवल ठाकुर को सेवा करते 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 उससे प्रेम हो गया है, हैं? इसलिए हर घर में ठाकुर जी होनी चाहिए। जिस घर में ठाकुर वही घर ही वृंदावन धाम है, हैं? लेकिन कभी कभी डग के लिए तो रूम बनाते, लेकिन गढ़ के लिए कोई रूम नहीं घर में, कुत्ते के लिए तो घर बना देते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए कोई घर हम नहीं बना। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, सब कुछ उसी का है, लेकिन ठाकुर जी के लिए हमको किसी ने लेकर गए, बोले बाबा बाबा और ठाकुर देखोगे। मैंने कहा बढ़िया सुंदर ठाकुर को सजाया होगा, बड़ा सुंदर मंदिर बना होगा, लेकिन हमें जानते हो क्या कहाँ पर दिखा ठाकुर, घर का जो सबसे रिजेक्ट स्थान है, घर का जो रिजेक्ट स्थान पर, वहीं पर ठाकुर जी अगर खोपे में रख दिया और अपना दिए सोने के लिए इतना बड़ा बेड बनाया, इतने बहुत बड़े बेड। मैंने भैया तुमको जिसने सब कुछ दिया है, जिसका सब कुछ है, उसको तो घर का रिजेक्ट स्थान में फेंक दिया, लेकिन अपना सोने के लिए कितना बड़ा बेड तुमने बनाया। भैया ऐसे नहीं कर, नहीं, सबसे पहले देखो घर का जो सबसे बढ़िया जगह हो ना, सबसे पहले ठाकुर जी को वहीं पर बैठाओ। ठाकुर जी के लिए देखो, ठाकुर कहाँ बैठेगे, खुद रहने के लिए नहीं है, खुद रहने के लिए नहीं, सबसे पहले ठाकुर जी के लिए हम उसकी सेवा के लिए सोचेंगे, हाँ उसकी सेवा के लिए। इसलिए ठाकुर जी के लिए पहले उसको, बाद में हम कहाँ रहेंगे, फिर उसको जा करके, खुद तो एसी में सोते हैं, ठाकुर जी के लिए बिना एसी है नहीं। इसलिए उदाहरण दिया, देखो जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजा दो, अच्छे तरह सजा दो अपना शरीर को, अब शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना अपना शरीर को जैसे सजाओगे ना, अपना परछाई भी वैसे सज जाती है, सज जाती कि नहीं। परछाई को सजाने का जरूरत है नहीं, अपना शरीर को सजाओ, परछाई अपने आप सज जाती है। मतलब क्या है, मूल है ठाकुर जी, ठाकुर जी को जितने बढ़िया से सजाओगे, सेवा करोगे, अपने आप तुम फलते फूलते जाओगे, अपने आप तुम सज जाओगे। ऐसे नहीं ठाकुर कोई श्रृंगार नहीं, एक दो सेट कपड़ा है, 15 दिन इस महीना में एक बार बदला देते हैं, और जिसने सब कुछ दिया दिन में दो दो बार खुद कपड़ा बदला रहे, और ठाकुर जी वैसे बड़े हुए नहीं। देखो इसलिए राजा की जो बेटी थी, उसने ठाकुर का प्रति प्रेम कैसे हो गया, क्यों हो गया प्रेम, क्योंकि वो ठाकुर को सेवा करती थी, वो बेटी ठाकुर को सेवा करती, सेवा करते करते प्रेम हो गया। बोले बोले पिताजी दो दहेज रूप में दो और मत दो, हमें ये मदन मोहन दे दो, ये मैं मदन मोहन को साथ में लेकर के जाऊंगी। लेकिन उसका नाम ही मदन मोहन, बड़े सुंदर ठाकुर जी थे। बोले बेटी दूसरे ठाकुर तो दे सकता हूँ, लेकिन मदन मोहन को नहीं। बोले मैं शादी करूंगी तो मदन मोहन के लेकर के जाऊंगी, नहीं तो शादी करूंगी नहीं, बेटी को तो शादी कराना पड़ेगा। बोले तेरे को परीक्षा करके ले जाओ दूंगा। बोले क्या, बोले सारे ठाकुर जो ब्रज यहाँ पर जयपुर के थे, बोले इसको सबके सब मैं लाइन करके खड़ा कर दूंगा और तुम्हारे आंखों में काला पट्टी बांध दूंगा, और तुम जा करके जिस ठाकुर को स्पर्श करके बोलोगे ये ठाकुर ले जाना चाहता हूँ, वही ठाकुर ही तुम ले जाओगे। बोले कोई बात नहीं,
रात भर रोई, ठाकुर जी तुम तो मेरे प्रेम जानती हो, तेरे को खिलाए बगैर खाती नहीं, सुलाए बगैर सोती नहीं, रोज तेरे को मैं स्नान कराती हूँ, तेरे को श्रृंगार करती हूँ। पिताजी कहते हैं परीक्षा करके देंगे, पता कैसे चलेगा तुम मदन मोहन। देखो ठाकुर जी कितने दयालु, देखो ठाकुर जी बोले बेटी कोई चिंता मत करो, जब सब ठाकुर को लाज नहीं करे खड़े कर देंगे ना, एक काम करना सब शरीर ठाकुर को शरीर में तुम हाथ लगाते लगाते आना, जब तुम मेरे पास में आओगे मैं हाथ पकड़ लूंगा, लेकिन ये चीज को कोई नहीं समझेगा, तू समझूगा और मैं समझूंगा। सचमुच से जब उन्होंने हाथ लगाते लगाते आए, मदन मोहन हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, बोले पिताजी मेरे को यही ठाकुर दे दो। पिता बोले यार इसको पता कैसे चला इतने ठाकुर में, ये मदन मोहन है। बोले बेटी तेरी जीत हो गई मेरी हार हो गई, इसलिए ठाकुर जी के लिए उन्होंने मदन मोहन जी को उन्हें लेकर दहेज रूप में गए, इसलिए यहाँ से ठाकुर जी चले गए मदन मोहन। और जो गोपीनाथ भगवान की बख्य स्थल है, ये गोविंद देव ठाकुर जी की मुखार बिंद है, और जो चरण कमल है ये मदन मोहन। चूंकि मदन मोहन यहाँ से चले गए, इसलिए हमारे सुंदर गोपाल प्रभु सोचा मदन मोहन तो चले गए यहाँ से, इसलिए एक सूर्यास्त में अगर ये तीनों ठाकुर को कोई दर्शन कर लेता है, उसको साक्षात कृष्ण दर्शन करने का उसको फल मिलता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर इसी मंदिर में उन्होंने श्री मदन मोहन को स्थापन किया। बोले श्री राधा मदन मोहन लाल की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री मदन मोहन लाल की। हाँ, इसलिए उन्होंने मदन मोहन की यहाँ स्थापन किया। बोले भैया ये ठाकुर को क्यों स्थापन करते हैं, ये ठाकुर को क्यों स्थापन करते हैं, स्थापन करने का क्या जरूरत है। तो उसको एक उन्होंने शास्त्र में दो कथा बताई। बोले एक समय श्री नारद जी सब घर घर में गए, सबसे पूछे ठीक ठाक हो, सबके सब तस्वीर लाए, लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछे ना, जगत में कोई भी ठीक नहीं, सबके सब हैं, सबके सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, दुखी दुखी पूरा संसार दुखी, कोई संसार में सुखी नहीं। इतने में नारद जी गए वैकुंठ में, और वैकुंठ जब गए ठाकुर जी अनंत नाग पर शयन किए हुए, माँ लक्ष्मी चरण सेवा कर रही हैं, ब्रह्मा शंकर सबके सब ठाकुर जी को शांतागारम भुजग शयनम बड़े सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे। इतने में नारद जी वैकुंठ में जाकर के बोले प्रभु जी दुनिया तो आपने बना दिया, किसने बनाया, बोले मैंने बनाया। बोले दुनिया को तो बना करके दुनिया दुखी दुखी दुखी, आप तो यहाँ आनंद ले रहे हो, लक्ष्मी को लेकर के हाँ दीन अनंत नाग बड़े सैन्य के हुए आनंद में, और सबके जब जीव सब दुख दुख भोग कर रहे। तब इतने में ठाकुर जी बोले बताओ क्या करनी चाहिए। बोले देखो प्रभु जी, कहते राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, राम से विमुख हो करके, भगवान से विमुख हो करके जगत में किसी को शांति सुख मिल नहीं सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सात उदाहरण देकर कहते हैं, अगर कोई रेती को पीस पीस कर तेल निकाल दे असंभव है, कोई पानी को मंथन करते करते घी निकाल दे असंभव है, कोई बोले आकाश में फूल खिल जाए इसको हम विश्वास कर सकते हैं, कोई बोले बांज का बेटा हो गया हम इसको विश्वास कर सकते हैं, कोई बोले आग को ऊपर में आग जल रही बर्फ को ऊपर में इसको मैं मान सकता हूँ, अगर कोई व्यक्ति बोलता है अरे हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते हम सुखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कभी नहीं हो सकता है। कृष्ण विमुख कभी सुख नहीं पावा, हमारे पास में कितने पैसा होगा बताओ, रावण के पास में सोने की लंका थी, कितना घर में सोना होगा, तो 4 किलो 10 किलो 20 किलो, इससे तो ज्यादा सोना नहीं होगा ना, जिसको लंका ही सोनाई थी। हम सोचते हैं कि अच्छी छोरी से शादी कर ले सुखी हो जाएगी, मन तो दरी जैसे पत्नी। अब रामायण पढ़े हो, जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए गए, उनने मंदोदरी को देख करके भ्रमित हो गए, यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, इतनी सुंदरी थी, एक ही सुंदरी नहीं, उसको जितने सुंदरी सुंदरी स्वर्ग से अप्सरी रंभा मिले जो मिले ना, सब पकड़ पकड़ कर शादी किया था उसने, इतनी सुंदरी से सुंदरी, बेटा मेघनाथ जैसे, जिसको 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, कितना तुम्हारी बेटा बेटी 1 लाख है। लेकिन आप रामायण पढ़कर देखोगे, वो शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कदा सुखी भवा, भोले बाबा कब सुख मिलेगा, मन में सुख शांति नहीं, मन में शांति नहीं, सुख नहीं, मन में दुखी दुखी है। हैं, इसलिए भैया
नारद जी बोले कभी भी भगवान से विमुख होकर के जगत में अभी तक किसको शांति मिली नहीं, इसलिए प्रभु जब तक तुम्हारी सेवा भक्ति नहीं करेगा जगत में कोई स्तुति हो ही नहीं सकता। जिसने बनाया दुनिया को खुद गए थे दुख का घर ही संसार, जिसने बनाया खुद गहराई ये संसार दुख का घर है संसार, सुख कहां से आएगी। हाँ, जो जितने प्रभु को सेवा करते हैं भजन करते हैं भक्ति करते हैं तो उतना ही सुख शांति मिलता है। इसलिए प्रभु जब तक तुम्हारी सेवा नहीं करेगा कैसे जिनका कल्याण होगा, इसलिए थोड़ा सेवा दो। बोले मैं तो वैकुंठ में हूँ। बोले वैकुंठ कौन देखा, देखे हो आप लोग ने वैकुंठ देखे हो, नहीं देखे ना। बोले थोड़ा नीचे उतरो। बोले मैंने स्वर्ग में भी रहता वामन देव रूप में। बोले स्वर्ग किसने देखा, देखे स्वर्ग नहीं देखा। बोले किसने स्वर्ग देखा, बोले थोड़ा नीचे उतरो। फिर भगवान बोले देखो मैंने एक रमा वैकुंठ वहां भी रहता हूँ। बोले उसको किसने देखा, थोड़ा नीचे उतरो। बोले देखो हर जीव के हृदय में मैं रहता हूँ, ठाकुर जी है कि नहीं परमात्मा रूप में। इसलिए शास्त्र ने बताया एक वृक्ष में एक टहनिया में दो तोते वहां पर बैठे हुए, एक तोता तो खट्टा मीठा फल खा रहा है लेकिन एक तोता केवल साखी रूप में दर्शन कर रहा है। बोले खट्टा मीठा फल को कौन खा रहा है, बोले जीव, कभी दुखी कभी सुखी, कभी सुखी कभी दुखी होता है। लेकिन वो कौन देख रहे तटस्थ रूप में, ये परमात्मा ठाकुर जी दर्शन कर रहे, जो किरत साई विष्णु। बोले हर जीव का हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। बोले प्रभु आप तो हृदय में बैठे तो है लेकिन आप तटस्थ रूप में बैठते हुए भी आप कुछ करते नहीं, केवल देखते रहते हो। और थोड़ा नीचे आओ, और थोड़ा नीचे आओ। तो बोलने पर भगवान स्वयं ये राधा गोविंद रूप में, ठाकुर जी स्वयं राधा गोविंद देव रूप में, मदन मोहन रूप में, गोपीनाथ रूप में, स्वयं ठाकुर जी जगत में ये विग्रह रूप में प्रकाशित होंगे। विग्रह मतलब क्या है, मतलब विशेष रूप को जो जीव का आग्रह को सेवा को जो ग्रहण करते हैं, इसलिए इनका नाम बताया विग्रह। विशेष रूप में हमारी सेवा को जो ग्रहण करते हुए हमारी कल्याण करते हैं। लेकिन देखो ठाकुर को दर्शन कितना दुर्लभ आपको पता है। जब ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरितई, जिसको बड़े बड़े देवता ऋषि तपस्या करते हैं लेकिन जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे दुर्लभ श्री ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी को देखो कितने दयालु है, जब आओ मंदिर में ठाकुर जी दर्शन हो जाता है। गोविंद देव को दिन में कितना झांकी होती है, सात होता है, सात बार अगर जाओ सात बार गोविंद देव की दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर भी जब आओ ठाकुर का दर्शन हो जाते हैं, यहाँ तक भी तुम्हारे घर में भी ठाकुर आ गए कि नहीं। लड्डू गोपाल रूप में किसके घर में, किसके घर में जुगल रूप में है कि नहीं तुम्हारे घर में। ठाकुर जी इतने दयालु इतने कृपालु हो गए ठाकुर जी को, ठाकुर जी को जैसे स्नान करा दे कि नहीं, अपना हाथों में लड्डू गोपाल को बैठा करके है स्नान करा के, अगर तुम पोछा लगाते हो ठाकुर को तिलक करते हो माला पहनाते कि नहीं। देखो ठाकुर जी कितने दयालु कितने कृपालु है, ठाकुर जी इतने नजदीक हमारे आ गए। ठाकुर जी इतने दयालु है, जैसे ठाकुर जी को जैसे गर्मी का समय ठंडा लगती गर्मी लगती लगती नहीं गर्म लगती, जयपुर में गर्मी लगता है। ठाकुर जी ने कभी बताया तुमको मेरे पास में बैठकर हवा करते, बताया नहीं। ठाकुर जी को कोई सब्जी बनाया जरा मिर्च मसाला ज्यादा हो गया कम हो गया, ठाकुर कभी बोलते है तुमसे नहीं बोलते है ना। बोले ठाकुर जी मतलब जैसे ठाकुर को तुम सेवा करते हो, ठाकुर जी सब कुछ हमसे ग्रहण करके क्या करते हैं, हम जो ठाकुर को सेवा करते हैं ठाकुर जी हमारी भाव को ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, हैं? इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे तो। ठाकुर जी सब कुछ अगर भावना से करोगे, ठाकुर जी सब कुछ ठाकुर जी हमारे लिए करते हैं, सब कुछ ठाकुर जी करते हैं। इसलिए मानव जीवों को सेवा को लेकर के ठाकुर जी हमारी कल्याण करने के लिए ठाकुर जी ये विग्रह रूप में मदन मोहन रूप में प्रकट हुए। जीव हमें दर्शन करके हमारी प्रसाद को पा करके हमें सेवा करके कैसे जीव का धीरे 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 सुकृति बढ़े, और वो सुकृति को द्वारा एक दिन क्या होगा ठाकुर को सेवा करने से, एक दिन तुम ठाकुर जी के चरण को प्राप्त कर लोगे, ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे ठाकुर जी को।
एक छोटी सी कथा सुन करके, कितना टाइम हो गया भैया? हाँ आठ बज गया, आठ दस हो गया, दस मिनट कम है और पांच मिनट सुन लो। हाँ देखो ये छोटी सी कथा सुन करके फिर आप लोग भूख लगता होगा, ऊपर प्रसाद तैयार है ना, प्रसाद बनाए अभी समय तुमको पता नहीं हो प्रसाद तैयारी हो गया? हाँ तैयारी है, हाँ ठीक है ठीक है, अब पांच मिनट सुन लो। हाँ सबको भूख लग, लोग बहुत दूर दूर जाए ना, तो बहुत दूर से आए। हाँ देखो एक समय, देखो एक समय, देखो अगर कोई हृदय से ठाकुर को सेवा करे ना, ठाकुर जी कैसे हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं, कैसे ठाकुर जी सेवा कर, हमारी संप्रदाय में तो बहुत बहुत प्रमाण है। अब जगन्नाथपुरी में गए हो, कौन कौन जगन्नाथपुरी गए? दो चार, इस बार रथ यात्रा में सब चलियो, ठीक है? कहते वहां पर जगन्नाथ जी को एक बार कोई रथ के ऊपर दर्शन कर ले, बोले रथे बामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। पुराण कहता है अगर रथ के ऊपर में जगन्नाथ जी को एक बार कोई दर्शन कर ले, उसको फिर जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। बड़ी महिमा ठाकुर को दर्शन करेगा। इसलिए ठीक जगन्नाथपुरी से एक स्टेशन आगे, वो स्टेशन का नाम है साखी गोपाल, साखी गोपाल है वो स्टेशन का नाम ही साखी गोपाल। वो गोपाल जी पहले वृंदावन में रहते थे। एक समय दो विप्र, एक छोटा विप्र जवान और एक वृद्ध, दोनों तीर्थ करते 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 उन्होंने वहीं पर रात को रुके। जब रुके जो वृद्ध विप्र, जो जवान जो विप्र था, उसको प्रति इतने खुश हो गए, बोले बेटा अगर तू नहीं होता तो ये तीर्थ कभी मैं नहीं कर सकता था, तेरी वजह से तुमने बेटे से भी ज्यादा तुमने मेरी सेवा की है, मैं तेरे ऊपर मैं खुश हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या देना चाहते हो? बोले मेरी एक सुंदरी बेटी है, मैं चाहता हूँ ये बेटी को तेरे से शादी करा ले। बोले नहीं, आपको मैंने जो सेवा की है पिता मान करके, आपको बेटी से शादी करने के लिए सेवा नहीं की, अब वृद्ध विप्र हो, अब हमारे पिता के बराबर हो, इसलिए पिता मानकर मैंने सेवा की है। और दूसरी बात रही, आप कहते हो आपका बेटी को मेरे से शादी कराओगे, लेकिन यद्यपि हम दोनों ही ब्राह्मण हैं, लेकिन आप उच्च कुल के ब्राह्मण, में नीचे कुल का ब्राह्मण होता है ना अपना परिवार में, इसलिए आपका परिवार वाले राज्य नहीं होंगे। बोले बेटी मेरी है, मैं बोलता हूँ शादी दिलाऊंगा, इसलिए परिवार क्या बोलेंगे? बोले अगर घर में जाकर मुकर गए तो उन्हें बोले देखो ठाकुर है ना, ये गोपाल जी को मैं साखी करके कहता हूँ, जरूर तेरे को मैं अपना बेटी में शादी दूंगा। वापस आए, वृद्ध विप्र ने पूरा परिवार को लेकर के मीटिंग किया, ऐसे ऐसे बात, इसको सुन करके परिवार वाले इतने बिगड़ गए, बोले आपने कैसे बोल दिया, हम उच्च जाति के ब्राह्मण है, वो छोटा जाति का ब्राह्मण है, हम दुनिया में हमारा मुंह कैसे दिखाएंगे, अगर हमारी बहन को शादी दिया तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। बोले मैंने जो ठाकुर को साखी करके आए, बोले ठाकुर पत्थर है, वो थोड़ी साखी देगा, वो तो पत्थर है, वो क्या साखी देगा? अगर वो आए ना, केवल आप इतना बात बोल देना, मैंने क्या बताया नहीं बताया भूल गया, बस हम सब चीज देख लेंगे। छोटा विप्र ने देखा तो चुप हो गया, घर में आया, बोले क्या हो गया, आप बोल रहे थे तो बेटे को शादी दोगे, क्यों चुप कैसे हो गए हो? इतने में वो वृद्ध विप्र इतनी सी बात बोल दी, मैं क्या नहीं बोला मेरी याद नहीं, ए बच्चों ने तो डंडा लेकर लठिया लेकर के आ गई। बोले दुष्ट, हमारे पिताजी के पास में बहुत सारे संपत्ति था, सोने चांदी तुमने हड़प लिया, हमारे पिताजी का धधुरा खिला करके तुमने पागल बना करके, पैसा भी लिया पागल बना करके, फिर बहनी से शादी करना चाहते हो, वो डंडे लेकर मारने के लिए आए, वो भाग गया। और उसने ग्राम पंचायत बुलाई, ऐसे ऐसे बात, ग्राम पंचायत बोले तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है, साखी है? बोले हाँ, वृंदावन में एक गोपाल जी का मंदिर था, उनने गोपाल जी को साखी करके बोले थे, बच्चों को मौका मिले जा 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 वृंदावन चली जा, अब वृंदावन से गोपाल जी को बुला कर ले आना, फिर शादी करना। लेकिन उसको पूर्ण विश्वास था ठाकुर जरूर आएंगे। देखो पहले लोगों के अंदर विश्वास कितने दृढ़ विश्वास होता था, बोले जरूर ठाकुर जी साखी देने के लिए आएंगे। चलते चलते वृंदावन आए, ठाकुर जी को सारी बात बताया, ऐसे ऐसे आपको साखी करके बताया, लेकिन घर में जाकर मुकर गया है, इसलिए आपको साखी देने के लिए जाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले तुमने कभी सुने हो ठाकुर जी चलते चलते कभी साखी देने के लिए गए?
बात इतने में बात को पकड़ लिया, भले अगर साखी देने के लिए नहीं गए हैं फिर आप बात बोलते हो कैसे? जब स्वयं आप बात बोल रहे हो आपको भी साखी देने के लिए जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जो वृद्ध विप्र है उसकी अपमान होगी, उसका वाक्य नष्ट हो जाएगा, उसको वाक्य वो हृदय से चाहता है लेकिन परिवार का दबाव में आकर के उसने बुकर गया। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं चलूंगा, एक काम करो इतने दूर जाऊंगा मेरे को एक सिर जो चावल का खिचड़ी बना कर खिलाओ, चल चल के जाना पड़ेगा ना। तो एक किलो उन्होंने चावल का खिचड़ी बनाया और ठाकुर जी सब खा लिए, सब कुछ खा लिया ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले एक काम करियो, बोले क्या है? बोले मैं तो पीछे पीछे चलूंगा लेकिन तुम मोड़ करके देखना नहीं, जहां मोड़ करके देखोगे मैं वहीं पर खड़ा हो जाऊंगा। बोले ठीक है। बोले पता कैसे चलेगा? बोले मेरे प्यार में नुपुर बंधा हुआ, ये नुपुर का छमछम छमछम आवाज होगी, उससे तुम्हें ये पता चलेगा। सचमुच से ठाकुर जी चलते चलते आए कटक तक, वहां पर नदी था, वहां पर रेती थी। अभी ठाकुर का जो प्यार रेती में धसना शुरू हो गया और जो नुपुर का छमछम आवाज धीरे 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 बंद होने लग गया। उसने देखा अभी तक तो नुपुर की आवाज आ रही थी, अभी ये आवाज बंद कैसे हो गया? हो ना हो गांव में जा करके देखूंगा ठाकुर है ही नहीं, फिर बदनाम ही होगा, इसलिए पास में तो आ ही गए, एक बार मोड़ कर देख लेता हूँ, सब लोगों को बुला लूंगा, पास में तो आ गए। इतने में उन्होंने इसे मोड़ करके देखे, देखे तो ठाकुर जी बंसुरी बजाते बजाते ठाकुर जी वहीं पर खड़े हो गए। बोले और नहीं जाऊंगा, तुमने देख लिया, जाओ राजा को बुला लग लाओ। उसने जाकर गांव में हल्ला मचा दी, वृंदावन से गोपाल जी साखी देने के लिए चलते चलते आए, गांव के गांव लोग उमड़े, वृंदावन से ठाकुर आए, राजा रानी भी दर्शन करने के लिए आए और ठाकुर जी सबको सामने ठाकुर जी साखी करके बोले, बोले ये सही बोल रहा है, ये वृद्ध विप्र ने मेरे को साखी करके बोला था बेटी को साजी देने के लिए, लेकिन ये परिवार का दबाव में आकर के यहाँ पर बोल नहीं रहा है लेकिन हृदय से चाह रहा है। जब उन्होंने बोले सारे लोग आश्चर्य हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। अभी रानी भी थी, रानी के पास में हीरे की एक बेसर था, हीरे की, वो मन मन में सोच रही थी अगर ठाकुर जी की नाक में छेद होता तो मेरे पास में जो हीरे की जो बेसर है वो ठाकुर जी के नाक में मैं पहना देता। इतने केवल सोच करके गई, लेकिन जब सो गई ना ठाकुर जी सपने में प्रकट हो गए। बोले देखो रानी जी, मैं जो बच्चा था ना मेरी मैया ने मेरे नाक में छेद करके रखा था। अब देखना पहले पहले पिता माता लड़कों को भी कान में छेद नाक में भी छेद करते थे, छेद करते थे हैं, कभी उनको भी अलंकार पहनाया करते थे। बोले अभी भी वो छेद है लेकिन वो मिट्टी से वो बंद हो गया, तुम आकर नाखून से हटा ना देखना वो नाक में छेद मिलेगा, इसलिए तुम ला करके हीरे की बेसर को मेरे कान में नाक में पहना दो। रानी तो स्वप्न में सुनकर आश्चर्य में पड़ गई, राजा को बोला, बोले महाराज मैंने इसे स्वप्न देखा है, चलो हीरे की बेसर लेकर के चलते हैं। जब गए ना देखा सचमुच से ठाकुर की नाक में छेद है, अभी भी वो ठाकुर का नाक में छेद, अभी भी वो ठाकुर जी हीरे की बेसर पहने हुए हैं, लेकिन पहले कृष्ण अकेले थे, राधा रानी थी नहीं, अभी राधा के बगैर कृष्ण का मन ही नहीं लगे हैं, राधा के बगैर मन ही नहीं लगे। बोले मेरे को यहाँ पर खड़े करके रख दिया, राधा रानी है ही नहीं। अब इतने में राधा रानी स्वयं पुजारी की जो बेटी थी, राधा रानी उनकी बेटी बन करके आई, जन्म ली घर में और बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लिए फूलों की माला पहना करके बना करके ठाकुर जी के लिए भेजती थी। ठाकुर को अपना हाथों से पुजारी की बेटी थी ना, बड़ी सुंदर सुंदर कपड़ा बना करके ठाकुर का श्रृंगार करती थी, कौन राधा रानी। अभी ठाकुर जी को तो शयन कराते मंदिर में, लेकिन ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते, कहाँ पर सोते हैं? वो बेटी को पास में रात को सोते हैं। एक दिन ठाकुर जी ज्यादा गहरा नींद में सो गए, जब सो गए देखो नियम है, जब ठाकुर जी का पर्दा खोलो ना, हम बेल बजाते हैं ना, नहीं ताली बजाते हैं, हैं? तभी खोलते हैं, क्यों पता नहीं ठाकुर जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे अंदर में, इसलिए पहले बेल बजाओ घंटी बजाओ, नहीं तो ताली बजाओ फिर पर्दा को खोलनी चाहिए। इतने में पुजारी आकर के बेल बजाया, जब बेल बजाया लेकिन ठाकुर जी वहां थे ही नहीं, ठाकुर जी कहां पर थे? पुजारी की बेटी के पास में सो रहे थे कृष्णा। जब उन्होंने बेल बजाई ना ठाकुर जग गए,
बोला अरे मैं तो मंदिर में है नहीं, मैं तो यहाँ सो रहा हूँ। इतने में ठाकुर का जो सोने की बंसी बंसुरी थी वो आते समय सोने की बंसुरी लाना भूल गई और ठाकुर आकर चुपचाप खड़े हो गए। जब खड़े हो गए पुजारी ने देखा ठाकुर की सोने की बंसी नहीं, उन्होंने राजा को बुलाए बोले महाराज ठाकुर का सोने की बंसी चोरी हो गई। राजा सीआईडी लगा दिया, देखो वो सोने की बंसी कहाँ है। उसको ढूंढते 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 देखा उनकी बेटी की घर में ही सोने की बंसुरी बेटी के घर में मिली। राजा बोले दुष्ट तुमने सोने की बंसुरी चोरी करके और तुमने हल्ला मचा दिया, सोने की बंसुरी चोरी हो गई। बोले इसको जेल में बंद कर इसको। अब इसको जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया ठाकुर जी गोपाल जी ने देखा मेरे ससुर का चोरी मैंने की, मेरा ससुर जेल में बंद हो गए, मेरे ससुर साहेब जेल में बंद हो गए। उन्होंने फिर स्वप्न दिलाया राजा को बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है, राधा रानी के बगैर मेरे खड़े कर दिए, राधा रानी के बगैर मेरा मन नहीं लगता, अभी मेरी राधा रानी पुजारी की बेटी बन करके आई और वो श्रृंगार करती है रोज, उसको घर में मैं सोता था, अभी लेट हो गया तो दरवाजा खोले तो जल्दी जल्दी खड़ा हो गया, बसरी छोड़ दिया, जाओ वो उसका जो बेटी मेरी राधा रानी रूप में आई है, मेरे जितने कपड़े जितने अलंकार है ये सारे अलंकार को लेकर के बेटी को श्रृंगार करो और पालकी में बैठाओ और गाजे बाजा को साथ में बेटी को लाओ और मेरे से शादी कराओ, मेरे से शादी कराओ। फिर तो उन्होंने बेटी को सुंदर दुल्हन बना करके लाए और बैठाया रथ में बैठाए और ठाकुर को मंदिर में जब वो बेटी को प्रवेश की ना, प्रवेश करते दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया दरवाजा, और खोल कर देखते वो बेटी है नहीं वहां पर। फिर राजा को पता चला राधा रानी के बगैर कृष्ण को मन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है। फिर उन्होंने बड़ी सुंदर, कभी जाओगे तो साखी गोपाल देखोगे, बड़ी सुंदर उन्होंने राधा रानी को उन्होंने स्थापन किए। इसलिए जो ठाकुर जी है ना ये खाते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, चलते हैं, सब कुछ ठाकुर जी करते हैं, लेकिन किसके लिए करेंगे? भक्त के लिए। किसके लिए करेंगे? अगर ऐसे हम भक्त बन जाए तो ठाकुर जी हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयारी है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। और हमारे संप्रदाय में तो इतने कथाएं हैं, साक्षात सनातन गोस्वामी जब बिना नमक के उनको टिकिया बनाकर खिलाते थे, बोले भैया सब्जी तो देता नहीं थोड़ा नमक तो दे दिया करो। सनातन गोस्वामी बोलते थे तेरे पिताजी का नल ला गया था तभी तू घर 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 में चोरी चोरी कर खाता था, तभी तेरा पेट नहीं भरता था, आज बोलोगे नमक ला दो, कल बोलोगे भैया थोड़ा दूध होता था बढ़िया होता, परसों बोलोगे थोड़ा सब्जी ला दो, फिर बाद में बोलोगे थोड़ा राबड़ी क्या व्यवस्था हो जाए, फिर बोलोगे हैं भैया भैया मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो किसी तरह से चून थोड़ा मांग करके लाता हूँ, टिकिया बना कर खाता हूँ, अगर तुम्हारी खाने की इच्छा तू व्यवस्था कर दे, ठाकुर जी स्वयं व्यवस्था कर दी है। इसलिए गोपाल जी जो श्रीनाथ में जो नाथ द्वार जी श्रीनाथ जी स्वयं माधवेंद्रपुरी के लिए दूध ला करके उनको देते हैं, स्वयं मदन मोहन दूध ला करके सनातन गोस्वामी को देते हैं, राधा रानी स्वयं तेरे कदम में जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हरिकथा कर रहे थे, अभी रूप गोस्वामी सोच रहे बड़े भाई को खीर बहुत पसंद है कहाँ से खीर खिलाऊं, राधा रानी स्वयं बालिका बनकर के राधा रानी आ करके खीर स्वयं बनाकर राधा रानी जाती है, स्वयं राधा रानी खीर बना करके जाती है। हमारी संप्रदाय में तो इतने प्रमाण है, इतने कथा है, रात भर बोलते रहो खत्म नहीं होगा, इतने कथा है। इसलिए आज ठाकुर जी की स्वयं ठाकुर जी भक्तों को सेवा को ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी श्री मदन मोहन रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं, भगवान जीवों को पर कृपा करने के लिए उन्होंने ये मदन मोहन रूप में प्रकटित होकर के अपना सेवा दर्शन प्रदान करते हैं। और हमारे श्री सनातन प्रभु जी कहाँ हैं? सनातन प्रभु जी, सनातन महाराज इधर आओ, कहाँ थोड़ा दर्शन तो बाबा रे, हाँ देखो ये हमारी पुजारी प्रभु सनातन प्रभु जी, इनके लिए ताली बजाओ, क्योंकि ठाकुर जी को आप लोग देखे होंगे ना, आप देखे होंगे ठाकुर जी को ये कितने सुंदर श्रृंगार करते हैं, हैं जब कोई आते हैं ना पहले तो राधा रानी के ऊपर नजर हटती नहीं,
हर जगह में देखना, कहीं भी जाओ देखना, कृष्ण सबसे सुंदर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई आए ना, राधा रानी को देखते रह जाते। राधा रानी को हमारे वृंदावन में पूजा दिए, वो हर समय देख कर गए, वो सोचते भैया भैया हमारी राधा रानी ऐसे क्यों नहीं, हमारी राधा रानी ऐसे क्यों नहीं। इसलिए हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी कहाँ गए, सुंदर गोपाल जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, हाँ इसलिए कहते सुंदर गोपाल प्रभु जी उनने सब जगह पर घूमे हैं, सारे मंदिर सुंदर गोपाल पर सब जगह पर उनने घूमे, घूम घूम कर बहुत देखा कहाँ पर ठाकुर सबसे सुंदर ठाकुर जी। सारे जितने जयपुर में दुकान है ना, सब दुकान में प्रभु जी घूमे, घूम घूम करके उन्होंने देखा सबसे सुंदर राधा रानी यहीं पर। तो उन्होंने बताया राधा रानी का आँख ऐसे होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव भी ना आप लोग जो देखना, जो राधा रानी जैसे वहाँ पर मंजरी, उनका आँखों देखना जो कमल के पखुड़िया जैसे उनका आँखें बड़ी बड़ी, गुरुदेव ने स्वयं वर्णना करते थे ऐसे सखियों की आँख होनी चाहिए, ऐसे नाक होनी चाहिए, अंगुल कैसे होनी चाहिए। इसलिए हमारे सुंदर गोपाल प्रभु सारे यहाँ पर इतने मूर्ति बनाने वाले सबको पास में जा जा करके बोले भैया हमारे राधा रानी, हमें ऐसे राधा रानी, हमें ऐसे राधा रानी चाहिए। सचमुच राधा रानी बड़ी प्यारी है, कृष्ण बड़े सुंदर है, महाप्रभु बड़े सुंदर है, जिनकी शास्त्र में जैसे वर्णना किया ना कमल के पखुड़िया जैसे, कमल की पखड़ी पखड़िया जैसे राधा रानी को उन्होंने आग बना रही। इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु बोले कि जोर जोर ताली बजाओ, उन्होंने यहाँ पर मदन मोहन जी को उन्होंने प्रकाशित की, सेवा को उन्होंने प्रकाशित की, आप लोगों को उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर की कथा सुनाते हैं और आप लोगों को भजन में लगाए। इसलिए ठाकुर जी इनके ऊपर, गुरु वैष्णव इनके ऊपर में कृपा और इनके ऊपर में आशीर्वाद करे। और आज विशेष करके मदन मोहन जी का आज प्राकट्य तिथि है, आज का दिन उन्होंने प्रकट हुए थे। कुछ बोलोगे सुंदर गोपाल? हाँ एक भजन गा लेते हैं, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, कर दल दो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी, जियो जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो। कोई बोल भी रहे गोकुल में आयो नंदलाला, गोकुल में आयो, गोकुल में आयो नंदलाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से जियो जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो मतरो का ना हुआ हुआ, मतरो का ना समझावे तो नंदा बुआ, समझावे तो जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो आ चरमर चरमर करे पलना, ब्रजवासी गाए जियो ललना, ब्रजवासी जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो जल पिपुड़ी लाडू पुआ, तीरी जल पिपुड़ी लाडू पुआ, यशोमती गरी आनंद हुआ, यशोमती गरिया, यशोमती गरी आनंद हुआ,
जियो जियो श्याम लाला जियो नंद लाला तिली तेरी पगड़ी रंग काला जियो एक बार खड़े हो जाओ सब के साथ बोले नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो करतल बजाओ कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो करतल बजाओ कन्हैया लाल की